डीएमआरसी के खिलाफ यहाँ मजदूर लोग, लेबर लोग, ठेकेदार, लेबर ठेकेदार यहाँ आज इनको 7 दिन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और डीएमआरसी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। आइए हम जानकारी लेते हैं कि आज 7वें दिन इनके आला अधिकारियों ने इनको क्या जवाब दिया है, जो इनकी कोर मीटिंग हुई थी उस कोर मीटिंग के अंदर इनको क्या जवाब दिया है, जो इनका 9 महीने का जो पैसा रुका हुआ है, 9 महीने से लेबर ठेकेदार की जो पेमेंट रुकी हुई है उस संबंध में इनको क्या आश्वासन दिया और आगे की आगामी योजना इनकी क्या रहेगी, आइए हम बात करते हैं इनसे। एसके झा, आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या मांगे थी और जो अभी कोर मीटिंग हुई है उसमें क्या आश्वासन दिया गया आपको? हम लोगों का डीएमआरसी प्रोजेक्ट प्रतिभा कंपनी में 9 महीने का पेमेंट बकाया है। आज हम लोगों का डीएमआरसी और प्रतिभा और हम लोग त्रिपक्षीय मीटिंग हुआ, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि बुधवार तक ये 50% रुपया हम लोगों का जो बाकी है वो मिलेगा और 50% रुपया कब देंगे उसका वो शेड्यूल बुधवार तक देंगे। इसके लिए हम लोग आज धरना 7वां दिन स्थगित कर रहे हैं बुधवार तक के लिए। मंगू सिंह MD जो DMRC हैं उनके कहने पर, उनके आश्वासन देने के बाद हम लोग आश्वस्त हुए और हम लोग धरना को स्थगित कर रहे हैं अगले बुधवार तक के लिए। अभी आपने बताया है कि हमारी कोर मीटिंग के अंदर जो तीनों जो कंपनियां उनके तहत मीटिंग हुई थी और जो इस बड़े धरने का भारत के इतिहास की जगह जंतर मंतर पर जो इस धरने का आयोजन किया गया और इसका ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया वो हमारे बीच में, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि अभी मीटिंग के अंदर क्या इनको आश्वासन दिया गया और इनकी आगे की भूमिका क्या रहेगी। सर आपका नाम? सर मेरा नाम बबलू त्रिपाठी है और पहले तो मैं मीडिया कर्मी को भाई साहब को आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इतना इसका बृहद रूप दिखाया कि सारे अधिकारी डगमगा गए और इसका परिणाम आप लोगों की कर्तव्य निष्ठा के का कारण है कि आज हम लोगों को सफलता मिली है। सफलता तो पूर्ण रूप से तब मिलेगी जब बुधवार को हम लोगों के हाथ में पेमेंट आ जाएगा, मगर मिस्टर मंगू सिंह साहब ने अगर ये अपनी जवाबदेही स्वीकार किया है कि हम पैसा देंगे, अगर ये प्रतिभा फेल होती है तो इनके पास जो 400 करोड़ की बीजी बार बार हम लोग कह रहे थे उस पैसे बीजी को इनकेस करा के हम लोगों का जो 25 करोड़ का पेमेंट है वो मंगू सिंह साहब ने वादा किया है कि आप लोग धरना खत्म करिए, बुधवार तक हम 50% पेमेंट करेंगे। अगर 50% पेमेंट करने में भी अगर प्रतिभा फेल होती है, बैंक फेल होता है, तो हम बीजी इनकेस करा के आपका पेमेंट करेंगे। उनके कहने पे MD मंगू सिंह साहब के कहने पे हम लोगों ने इस धरने को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है, स्थगित किया है। मंगू सिंह क्या रोल है इसके अंदर? मंगू सिंह साहब DMRC के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि पूरे मेट्रो को चला रहे हैं वो मंगू सिंह साहब हैं। उनका पोस्ट जो मेट्रो भवन भारखंबा रोड ऑफिस है उसके सबसे चीफ है, मेट्रो के पूरे मेट्रो मैन हैं, मेट्रो किंग हैं। बबलू जी, जो आपकी जो मीटिंग हुई ये किन लोगों के साथ में हुई है? इसमें हमारी जो कोर कमेटी की सदस्य थे 7 लोग, वो लोग थे और रेल मंत्रालय से गए हुए थे शुक्ला जी थे और अजीत कुलकर्णी थे, एक उनके कोई पार्टनर आए वो थे, प्लस मेट्रो के मतलब दोनों CPM थे, DP थे और MD थे, मतलब त्रिपक्षीय कोर कमेटी वहाँ बैठी थी, सबके सामने बात हुई है। अभी बबलू त्रिपाठी जी ने बताया कि मंगू सिंह जी ने वायदा किया है, जो मेट्रो के MD हैं, होलसेल मालिक हैं, उन्होंने कहा कि बुधवार तक सारा फैसला हो जाएगा और हमने ये जो धरना है स्थगित किया है न कि ख़त्म किया है। तो इसी संबंध में एक हमारे साथ में और भी साथी जिन्होंने इस धरने को अच्छे ढंग से बनाए रखा, किसी तरीके का उग्र रोल अदा नहीं किया, इन्होंने भजनों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जो लोग इनमें विश्वास रखते हैं, भारत की संस्कृति पर विश्वास रखते हैं, इन्होंने इस 7वें दिन तक इस धरने को बरकरार रखा। आइए हम कुछ चौपाई इनके माध्यम से सुनते हैं जो अभी तक इन्होंने इस चौपाइयों को यहाँ बरकरार रखा है। सर आपका नाम? उमाकांत त्रिपाठी। उमाकांत त्रिपाठी जी, आप यहाँ भारत के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर आप चौपाइयाँ गा रहे थे और आप यहाँ दोहों के माध्यम से इन सभी जो युवा लड़के हैं इनको आपने एकजुट रखा, तो दो दोहे आप सुनाएं और चौपाई सुनाएं। हमें कहेंगे भगवान उनको सद्बुद्धि दे और भगवान पे हमारा अटूट विश्वास है, परमात्मा ही काम करते हैं। जहीं पर जेकर सत्य स्नेहू सोते ही मिले न कछु संदेहू, हमारा उन पे अटूट विश्वास था
प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भाय आजू। हमारे जो वीर यहाँ गए हनुमान रूपी ठेकेदार और बानर रूपी, यहाँ पर हम लोग जिस सेना बैठी हुई थी अथाह सागर था, और उस अथाह सागर को लांघना, आज जो हमारे एमडी साहब आए हुए थे वो बहुत दूर से आए हुए थे, सागर पार से आए हुए थे, जहाज से आए हुए थे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं मंगू सिंह साहब का। लेकिन धन्यवाद तब होगा जब हम लोगों का पेमेंट होगा 7 दिन के अंदर में। 7 दिन का टाइम लिए हैं और 7 दिन हम यहाँ बैठे हैं, हमको संतोष तब होगा, लेकिन भगवान पर हमें आशा है अवश्य उनको सद्बुद्धि देंगी। इसी के साथ में और मीडिया कर्मों को हमें बार बार धन्यवाद है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत लाख लाख शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का मैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशा रथ अजीर बिहारी, सतम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वाहा। ये सत्य की लड़ाई थी हम लोग की, असत्य करने वालों की पराजय होती है, सत्य की विजय होती है, और भाव जो मन के अंदर होता है भगवान उसी को भाते भी है। जिस प्रकार से जने सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, जाकीय रहिया भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दे किन्हें तिन्हें तैसी, बड़ही भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुरल भसनी ग्रंथन गावा, जाकी रहिया।